वाली गाड़ी में ले जाते हैं, और बाद में अगर नहीं भी मिलती तो हमें कई बार पैदल भी आना पड़ता है। हमें नीचे ना डंपिंग ग्राउंड पे भेजते हैं, ये वहाँ इतनी गंदगी है ना कि बहुत ज़्यादा। और तो और जो वहाँ आसपास का एरिया है ना, बस में भी जाते हैं तो तब भी स्मेल आती है। अब आप बताओ, अगर हम अंदर जाएंगे और काम करेंगे तो हमें बीमारी नहीं लगेगी? और 10,000 रुपये हमें सारी सर्विस मिलते हैं सीएलसी में, हम बीमारी पे लगाएं क्या, अपने घर का खर्चा करेंगे? हम ये सब लेडीज सीएलसी की वर्कर्स हैं, हम कमेटी में काम करते हैं सारे। हम लोगों को कई दिनों से खाते पे भेज रहे हैं नीचे, जहाँ पे गेहूं वगैरह को फेंकते हैं डंपिंग ग्राउंड पे, तो हम लोग वहाँ पे काम करना नहीं चाहती। जैसे बीमारी चल रही है, इस वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है लेडीज को। सेफ्टी तो सर है, देखो ये तो ग्लव्स वगैरह तो देते हैं, पर देखो वहाँ पे खतरा तो है ही, बदबू इतनी वहाँ पे, हम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। बाकी पूरे शहर में हमारे को कहीं पे भी भेजते हैं, हम कभी काम से मना नहीं करते। और कूड़े वाली गाड़ी में ले जाते हैं, और बाद में अगर नहीं भी मिलती तो हमें कई बार पैदल भी आना पड़ता है, अपना किराया लगा के कम से कम 1.5-2 किलोमीटर है, पैदल भी आना होता है क्योंकि उसमें जगह नहीं होती पिकअप में। तो कूड़े की गाड़ी में है तो बहुत गंदी हो, उसमें बैठने को भी मन नहीं करता। अब आप ही बताओ तुम कैसे बैठे, और ये लेडीज का काम तो है ही नहीं। आप ही बताओ, भेजना है तुम जेंट्स को भेजो भाई, लेडीज हमारे में से लेडीज कोई नहीं जाएगी। जाएंगी कमेटी के अंदर हमारी लेडीज वहाँ जाते हैं खाते पर, और वहाँ पर गाँवों में इतनी बीमारी चल रही बहुत ज़्यादा, जिससे ना अपने नु भी खतरा, अपने नु किस तरह बचाना होगा किस तरह नहीं। हाँ, कभी ग्लव्स आएगा गंदे गंदे, वहाँ ग्लव्स आएंगे वह हाथ में पड़ा देते हैं, ऐसा काम करो। अरे कितनी बदगो, इतनी बारिश में इतनी वो है, वे तो पॉलीथीन चक्रे जो वहाँ पर लग रहे, और बाकी इंसान गन चकवा रहे, वो क्या मतलब होया? इन्हें इनकी भी तो वो करनी चाहिए ना, ये वहाँ पर नहीं जाना चाह रही, ये सोच रही कहीं भी लगा दो इनकी ड्यूटी।